नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और आज से हम लोग क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का साइंस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आई हूँ। इसका मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि दूर दराज के गांव के लोगों में जहाँ पे अच्छी ट्यूशंस अवेलेबल नहीं होती है, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे सिस्टमेटिक नोट्स के साथ में सारे के सारा एक्सप्लेनेशन विवरण भी बताऊंगी। साथ में इन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें साइंस का भी बहुत छोटा सा हिस्सा आता है। अक्सर 9वीं और 10वीं कोर्स 10वीं क्लास का सिलेबस हमारा वहाँ आता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि साइंस जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या जो जीएस वगैरह जिनका अच्छा होता है, उन्हें साइंस में बड़ा डर लगता है, तकलीफ होती है। तो अगर आप ये वीडियो लाइन से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं बहुत सारे वीडियोस बना के आपको लोग लेके आ सकती हूँ। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान बोर्ड का जो बुक है साइंस का, उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, कंटिन्यू अगर आप मेरे साथ करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि एक नोटबुक और एक टेक्स्ट बुक, राजस्थान 10वीं क्लास का जो किताब है सिलेबस का, वो विज्ञान का, और एक नोटबुक अपने साथ लेके बैठिएगा, ताकि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अभी भोजन तो दोस्त को बताने की जरूरत नहीं है क्या है। सुबह शाम हम दोनों टाइम भोजन करते ही हैं, तो भोजन में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ रहा है कि भोजन में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो देखिए, भोजन में क्या होता है दोस्तों कि सिर्फ खाना खा लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। खाना खाना और खाने के अंदर वो सब चीजें होना बहुत जरूरी होता है जिसकी हमें जरूरत होती है। किन किन चीजों की जरूरत होती है, आप जब खाना लेते हो तो आप सिर्फ ये नहीं देखते हो कि आपको जो भी मिला आपने खाना खा लिया पेट भर गया, ये पर्याप्त नहीं होता है। आपको खाने के अंदर खाने के कुछ तत्व, खाने की कुछ जरूरी चीजें होती हैं, वो होना बहुत जरूरी होता है। तो वो कौन सी चीजें होती हैं दोस्तों? वो होती हैं जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल और रेशे। ये सात चीजें होती हैं जो आपको खाने में जरूर से जरूर लेना ही चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे। रेशे को कुछ लोग इंक्लूड करते हैं, कुछ नहीं करते, बट ये जरूरी हिस्सा होता है खाने का। तो अच्छा, कि अगर हमने ये खाना तो लिया और ये सारी चीजें हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज हमारे खाने में होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अगर वो नहीं हुआ तो उससे हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट आने वाला है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर आज समझेंगे। तो पहली बात होता है संतुलित भोजन, यानी कि मैंने बोला कि हमें भोजन तो करना जरूरी है, लेकिन वो भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। तो संतुलित भोजन क्या होता है? वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव मौजूद हो। मैंने बताया था कि जो भोजन होता है, भोजन के कुछ अवयव होते हैं, भोजन में सात अवयव होते हैं। तो संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें भोजन के वो सारे सातों के सातों अवयव मौजूद होने चाहिए। अगर आप सातों में से किसी भी अवयव को मिस करते हैं या नहीं लेते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव मौजूद हो। तो अगर आपसे पूछा जाता है संतुलित भोजन क्या है, तो आपको यहाँ पे सभी अवयव भी लिखना जरूरी है, आप ये नोट भी करते जाए साथ साथ में। वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मैंने पूरे यहाँ नहीं लिखे हैं, कुछ मैंने यहाँ लिख दिए हैं, अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा, आदि उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन क्या हुआ, आप खुद बता सकते हैं। वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव मौजूद न हो, उन्हें हम असंतुलित भोजन कहते हैं। यहाँ लिखा है कि जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व, इनको अवयव भी कह सकते हैं और पोषक तत्व भी कह सकते हैं, तो पोषक तत्वों की कमी हो, उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। और इस असंतुलित भोजन को आप लंबे समय तक नहीं लेते। देखिए क्या होता है, आप रोज तो ऐसा नहीं कर सकते कि रोज खाने में आपको फ्रूट होना ही चाहिए, दूध होना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई आप दूध नहीं ले पाए या आपने कुछ फल नहीं ले पाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, उससे कुपोषण नहीं आएगा। कुपोषण हमने क्या पढ़ा, कुपोषण वो होता है जिसमें लंबे समय तक
किसी पोषक तत्वों की आप कमी करते हैं, असंतुलित भोजन करते हैं, उसके वजह से जो होता है उसे कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण में ऐसा तो है नहीं कि आपने आज अगर ढूंढ लिया तो आज को उसकी कमी हो गई और आप उसके वजह से कुपोषण का शिकार हो गए। उसके लिए जरूरी है कि लंबे समय तक अगर आप उस चीज को मिस करते हैं या नहीं लेते हैं तो उसके वजह से जो होता है उसे कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण कई तरीके से हो सकता है। मैंने बताया ये सात अवयव होते हैं, इसमें से किसी भी चीज को आप मिस करोगे उसी का कुपोषण हो जाएगा। हमारे जो 10th का सिलेबस उसमें तीन तरह के कुपोषण दिए हुए हैं, जैसे विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। तो इसमें से तीनों कुपोषण हमको पढ़ना है। आज के वीडियो में हम केवल विटामिन के कुपोषण पढ़ेंगे, प्रोटीन और खनिज के कुपोषण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो विटामिन, अब विटामिन होता क्या है सबसे पहले तो ये देखते हैं कि खाने के अंदर जो आपका भोजन है, भोजन के अंदर कुछ अवयव होते हैं, सात अवयव होते हैं, उसमें से एक विटामिन होता है। विटामिन जो होता है वो खाने खाने में हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, ये सारे हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जो विटामिन होता है वो ये छह प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई और के। इसमें से ये सारे तो जनरली एक ही टाइप के होते हैं, खाली जो बी वाला होता है यानी कि विटामिन ए तो केवल विटामिन ए हो गया, विटामिन सी खाला विटामिन सी हो गया, लेकिन जो विटामिन बी होता है उसके कई सारे प्रकार होते हैं। एक विटामिन ए सॉरी विटामिन बी एक, विटामिन बी दो। तो इनको कैसे लिखते हैं, विटामिन ए विटामिन बी एक, इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन आपने आपको इसमें एक चीज याद रखना होगा कि विटामिन चार, विटामिन आठ, विटामिन दस और विटामिन ग्यारह या तो ये नहीं होते हैं, विटामिन ए विटामिन बी एक होता है, विटामिन बी दो होता है, विटामिन बी तीन होता है, लेकिन विटामिन बी चार, विटामिन बी आठ, विटामिन बी ग्यारह और विटामिन बी ग्यारह नहीं होता है। या फिर शरीर के अंदर होता है उसके लिए हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो जो विटामिन ए होता है हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ ये चार पांच यहाँ दे रखे हैं, खाली ये ही पढ़ने हैं। तो इसमें जैसे विटामिन ए हो गया, अब ये विटामिन ए जो होता है, ठीक है, अब ये क्या हुआ, विटामिन ए जो होता है उसके वजह से कौन सा रोग होता है हमें, रतौंधी। यानी अगर आप लंबे समय तक विटामिन ए अपने खाने के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं तो उससे जो बीमारी होती है उसे रतौंधी कहते हैं। रतौंधी क्या होता है, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है, कई बार दिन में भी नहीं दिखाई देता है, पर जनरली कहते हैं कि रात में जिन्हें दिखाई नहीं देता है उसे रतौंधी हो गया। अब अगर विटामिन बी बारह हमने पढ़ा था, विटामिन बी बारह, तो विटामिन बी बारह इसका एक और नाम होता है, इसे थायमीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थायमीन। विटामिन बी बारह का एक और नाम होता है, उसे कहते हैं थायमीन। तो थायमीन अगर यानी विटामिन बी बारह को हम लंबे समय तक अपने भोजन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो उससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। इसमें हृदय की धड़कन कम हो जाती है, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये विटामिन बी, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये कैसे मिलेगा हमारी बॉडी को, ये चीज हमें देखना है ये कैसे मिलेगा। तो ये होता है कि जैसे विटामिन ए है उस समय रतौंधी हो रहा है, तो अगर इसकी कमी को दूर करना है तो हमें जैसे गाजर है इस तरीके से हमें फ्रूट लेने होते हैं जो विटामिन ए में पूर्ण मात्रा में, मतलब विटामिन ए काफी पाया जाता है उसके अंदर, तो हम जैसे गाजर वगैरह लेके इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। वो आपके में नहीं दिया हुआ है। विटामिन बी बारह होता है जिससे हमें बेरी बेरी रोग होता है, इसमें हृदय की धड़कन कम हो जाती है और पेशियां कमजोर हो जाती हैं। एक है विटामिन बी दो, विटामिन बी दो, हमने विटामिन बी बारह देखा, विटामिन बी दो, विटामिन बी दो में क्या है, इसका एक और नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविनोसिस नामक जो बीमारी होती है वो विटामिन बी दो की कमी से होती है। और ये बीमारी कौन सी होती है, इसमें हम चीजों को भूलने लगते हैं, त्वचा हमारी फटने लग जाती है। आपने देखा होगा मुंह के आसपास, होंठों के आसपास जो फटी फटी सी स्किन हो जाती है वो राइबोफ्लेविनोसिस की वजह से होती है। इसके बाद तीसरा है नियासिन, नियासिन यानी विटामिन बी थ्री। तो बी थ्री के बारे में देखते हैं, विटामिन बी थ्री से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। ये पेलेग्रा क्या होता है, अभी तो नाम हो गया पेलेग्रा, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि पेलेग्रा है, त्वचा पर पपड़ी जमने लग जाती है, यानी कि उंगलियों के पास में, होठों के पास में पपड़ियां जमने लग जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि पेलेग्रा हुआ है। ठीक है, तो त्वचा पर पपड़ी बनना पेलेग्रा रोग का लक्षण है। इसके बाद देखते हैं विटामिन सी, विटामिन ए देखा, बी के हमने तीन प्रकार देखे, फिर पढ़ते हैं विटामिन सी।
विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे स्कर्वी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं दांतों के, वहां पे खून आना शुरू हो जाता है। तो जब खून आता है, मसूड़ों में दर्द होता है, मुंह में, वो बीमारी होती है हमारी मसूड़ों में खून आना या फिर त्वचा पर चकत्ते बनना, बड़े बड़े स्पॉट बन जाते हैं, उसे स्कर्वी रोग कहते हैं। यानी कि स्कर्वी रोग, अभी जैसे ये है, मैंने बोला था इसमें आप गाजर वगैरह लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। तो ऐसे ही विटामिन सी है ना, जिसमें खट्टे पदार्थ जैसे कि आपका हुआ ऑरेंज होता है, नींबू होता है, तो ये लेने से, आंवला लेने से आपके विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है जिसके लक्षण है मसूड़ों में खून आना और त्वचा पर चकत्ते बनना। लास्ट आपके बुक में दिया हुआ है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी होता है, इसका दूसरा नाम है कैल्सीफिरोल। क्या नाम है? कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल विटामिन डी को कहते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है। रिकेट्स में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं, बहुत इतनी कमजोर हो जाती हैं कि चल नहीं पाता है, चलते हैं फ्रैक्चर हो जाते हैं स्किन में, या फिर टेढ़े पैर होते हैं ऐसे करके चलते हैं, वो बीमारी होती है रिकेट्स। तो रिकेट्स हो जाती है विटामिन डी की कमी से, जिसमें हड्डियां आपकी मुड़ने लग जाती हैं। तो हमने आज देखा, छोटा सा कोई रिवीजन करते हैं कि संतुलित भोजन, जिसमें भोजन के सभी अवयव मौजूद हैं, कुपोषण, अगर लंबे समय तक आप संतुलित भोजन नहीं करते हैं उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के तीन कारण हमारी बुक में दिए हैं, विटामिन के वजह से, प्रोटीन के वजह से और खनिज लवण के वजह से। तो विटामिन के बारे में हमने देखा कि विटामिन क्या होता है। विटामिन एक अवयव है भोजन का और इसके कई सारे प्रकार हैं। इन प्रकारों में विटामिन ए, विटामिन बी के तीन प्रकार, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में हमने देखा। इनके कुछ अपने नाम हैं, इनसे होने वाली बीमारियां और इसको हम कैसे पहचानेंगे इन बीमारियों का, यानी कि उसके लक्षण, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला वीडियो। इसके बाद हम बहुत सारे वीडियो आपके साइंस के लिए बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाऊंगी। जो भी अच्छा है बुरा जैसा भी लगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।